अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे छोटी सी बात करूंगी, वो ये कि मैं जिस कदर मोहब्बत प्यार और खलुसे नियत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, लेसन्स अपलोड करती हूँ, तो काइंडली आप भी उसी प्यार और मोहब्बत का सबूत देते हुए मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें। इससे मुझे बेहद खुशी होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3, पोइम पपी एंड आई। वर्ड्स टू नो: बार्ले, जौ, हे, कुछ खास, ओट्स, जई। ये बार्ले और ओट्स एक किस्म के सीरियल्स हैं, ग्रेन्स भी कहते हैं इन्हें। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग। इसमें पोइट एक बच्चे के रूप में बात कर रहा है, तो वो कहता है कि चलते हुए या घूमते हुए मैं एक आदमी से मिला। वी गॉट टॉकिंग, हम बातें करने लगे। मैन एंड आई, आदमी और मैं। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो आदमी। आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय, यानी वो उस आदमी से जो कहीं जा रहा था उससे पूछता है, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। तो उस आदमी ने जवाब दे दिया, नीचे गांव की तरफ मैं थोड़ी रोटी लेने के लिए जा रहा हूँ। विल यू कम विद मी? नो, नॉट आई। तो वो कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उस आदमी ने जो गांव की तरफ जा रहा था वो उस बच्चे को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वो उसको जवाब देता है, नो, नॉट आई, नहीं मैं नहीं। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, फिर घूमते हुए चलते हुए मैं एक घोड़े से मिला। वी गॉट टॉकिंग, फिर हम बातें करने लगे। हॉर्स एंड आई, कौन? घोड़ा और मैं। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टूडे, तुम कहाँ जा रहे हो घोड़े आज के दिन? आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय, मैंने घोड़े से कहा जो कहीं जा रहा था, डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे। वो कहता है मैं गांव में थोड़ी खुश घास या चारा लेने जा रहा हूँ। विल यू कम विद मी? फिर वो ये कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो बच्चा कहता है नो, नॉट आई, नहीं मैं नहीं। आई मेट अ वोमेन एज आई वेंट वॉकिंग, फिर चलते हुए घूमते हुए मैं एक औरत से मिला। वी गॉट टॉकिंग, हम बातें करने लगे। वुमेन एंड आई, औरत और मैं। वेयर आर यू गोइंग टू वुमेन सो अर्ली, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो औरत? आई सेड टू द वुमेन एज शी वेंट बाय, मैंने औरत से कहा जो कि वहाँ से गुजर कर कहीं जा रही थी, डाउन टू द विलेज टू गेट सम बार्ले। वो औरत उसको जवाब देती है, नीचे गांव में थोड़े जौ लेने के लिए। विल यू कम विद मी? फिर वो उसे पूछती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो बच्चा जवाब देता है नो, नॉट आई, नहीं मैं नहीं। आई मेट सम रैबिट्स एज आई वेंट वॉकिंग, चलते हुए घूमते हुए मैं चंद खरगोशों से मिला। वी गॉट टॉकिंग, हम बातें करने लगे। रैबिट्स एंड आई, खरगोश और मैं। वेयर आर यू गोइंग इन योर ब्राउन फर कोट्स, तुम अपनी भूरी बालों वाली कोट पहने कहाँ जा रहे हो? आई सेड टू द रैबिट्स एज दे वेंट बाय, मैंने खरगोशों से कहा जो कि कहीं जा रहे थे, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स। विल यू कम विद अस? उन्होंने भी यही जवाब दिया कि नीचे गांव में थोड़ी जई लेने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तो उसका बच्चे का जवाब था नो, नॉट आई, नहीं मैं नहीं। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, फिर वो चलते हुए कहता है कि मुझे एक
पप्पी मिला, वी गॉट टॉकिंग, हम बातें करने लगे, पप्पी एंड आई, पप्पी और मैं, वेयर आर यू गोइंग दिस नाइस फाइन डे, तुम इस शानदार खूबसूरत सुहाने दिन कहाँ जा रहे हो, आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय, मैंने पपी से कहा जो कि कहीं जा रहा था, तो आप पपी का जवाब सुने, अप टू द हिल्स टू रोल एंड प्ले, तो वो कहता है कि मैं ऊपर पहाड़ों में गोल गोल घूमने और लेटने, यानी कलाबाजियाँ खाने और खेलने जा रहा हूँ, आई विल कम विद यू, तो वो जो बच्चा है वो फौरन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पपी सेड आई, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैंने कहा, यानी बच्चे को उसमें अट्रैक्शन नज़र आ रही है कि वो खेलने जा रहा है, तो वो उसके साथ चल पड़ता है, तो ये थी एक बहुत इंटरेस्टिंग पोइम, नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स वर्ड्स मीनिंग करेंगे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।